हाल ही में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की टीम मणिपुर पहुंची थी, हिंसाग्रस्त मणिपुर में लोगों से बातचीत की थी, हिंसा की वजह टटोलने की कोशिश की थी और हिंसा के बाद के हालात पर जायजा लिया था, लोगों से बातचीत की थी, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य में जातीय झड़पें राज्य प्रायोजित हिंसा का परिणाम। अब इस टीम के 3 सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तीनों महिलाएं नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन की फैक्ट फाइंडिंग टीम का हिस्सा है जिसने 28 जून से 1 जुलाई तक मणिपुर का दौरा किया था। राजा NFIW की महासचिव हैं जबकि सिद्धू इसकी राष्ट्रीय सचिव हैं और द्विवेदी दिल्ली की एक वकील है और तीनों पर ही केस दर्ज हो गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केस दर्ज होने के बाद इनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। बोलते हैं हिंदुस्तान पर, मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली। मणिपुर हिंसा के संबंध में राज्य का दौरा करने वाली एक फैक्ट फाइंडिंग टीम ने हिंसा को सरकार प्रायोजित बताया और इसके बाद इन सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज हो गया। 28 जून से 1 जुलाई के बीच नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन की फैक्ट फाइंडिंग टीम की 3 सदस्य एनी राजा, निशा सिद्धू और दीक्षा द्विवेदी के खिलाफ शिकायत एल लिबेन सिंह नाम के एक व्यक्ति ने दर्ज कराई और शिकायत पर राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ने, उकसाने और मानहानि से संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया। तीनों महिलाओं ने 2 जुलाई को एक संवाददाता सम्मेलन में हालिया संघर्ष को सरकार प्रायोजित हिंसा करार देते हुए कहा था कि झड़पे सांप्रदायिक हिंसा नहीं है और ना ही ये महज 2 समुदायों के बीच की लड़ाई है। इसमें भूमि, संसाधनों और कट्टरपंथियों और उग्रवादियों की उपस्थिति के प्रश्न शामिल हैं। सरकार ने अपने पीछे हुए कॉरपोरेट समर्थक एजेंडे को साकार करने के लिए चतुराई से रणनीति अपनाई, इसके कारण मौजूदा संकट खड़ा हुआ है। तीनों महिलाओं ने 2 जुलाई को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि मणिपुर में झड़पे सांप्रदायिक हिंसा नहीं है और न ही ये महज 2 समुदायों के बीच की लड़ाई है। फैक्ट फाइंडिंग टीम ने कहा कि पूरी तरह से गृह युद्ध जैसे हालात पैदा करने के लिए राज्यों केंद्र की सत्तारूढ़ सरकारों और दोनों समुदायों के बीच अविश्वास और चिंता की एक स्पष्ट पृष्ठभूमि खड़ी की गई थी। इसके बाद ये भी बताया गया है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इन महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज हो गया और जो केस दर्ज हुआ है उस पर कहा गया है कि ये इन तीनों ने लोगों को सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए उकसाने, लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश रची है। इसके अलावा शिकायतकर्ताओं ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह द्वारा अपना इस्तीफा वापस लेने के फैसले को नाटक बताए जाने पर भी आपत्ति जताई है। बहरहाल अब इन तीनों महिलाओं जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की इस टीम का हिस्सा थी उनकी गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अगले आदेश तक उनकी कोई भी गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी। बहरहाल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की टीम के सदस्यों पर हुए केस दर्ज होने के बाद कई गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या सरकार नहीं चाहती है कि हालात क्या हैं, असलियत सामने आ पाए और जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने बातें कही हैं उस पर कहाँ कहाँ गलती है उसे भी सरकार को स्पष्ट करना चाहिए।